प्रधानमंत्री मोदी से अधिक सैलरी लेते हैं सीजीआई चंद्रचूड़, लेकिन पाकिस्तान के सीजीआई के मुकाबले में है कम। कितनी होती है मुख्य न्यायाधीश की सैलरी? हाल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना होती रहती है, यह भी कहा जाता है। जहां नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद सब लोगों ने घुटने टेक दिए, सीजीआई चंद्रचूड़ की रीढ़ की हड्डी सीधी है। सीजीआई चंद्रचूड़ खुद कह चुके हैं वह कभी भी झुकने वाले नहीं है। कई बार मोदी सरकार की तरफ से प्रेशर बनाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने डटकर मुकाबला किया। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के सैलरी की तुलना करेंगे। क्या आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी प्रधानमंत्री से ज्यादा होती है? अगर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा होती है? अलग अलग देशों के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी के मुकाबले में आखिर भारत के चीफ जस्टिस की सैलरी कम है या बहुत कम है? हम आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाल ही में भारत सरकार ने बढ़ाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने के लिए हाल में केंद्र सरकार ने विधेयक पास कराया था। इसके बाद उनकी सैलरी में 200% की वृद्धि हुई। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन 2,80,000 रुपए है। इसके अलावा चीफ जस्टिस को अनेक तरह की सुविधाएं हैं और भत्ता अलग से मिलता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बाद सबसे ज्यादा सैलरी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही मिलती है। सैलरी के अलावा चीफ जस्टिस को 1 फ्री इलेक्ट्रिसिटी, टोल टैक्स नहीं कटता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मेडिकल भत्ता आदि सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री से अधिक है सीजीआई का वेतन। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। वरता क्रम में तो प्रधानमंत्री की पोस्ट बड़ी है, पर सैलरी के मामले में सीजीआई प्रधानमंत्री से आगे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हर महीने 2,80,000 रुपए सैलरी मिलती है। साथ ही प्रत्येक माह 45,000 रुपए सरकारी भत्ता भी मिलता है। इस तरह महीने की कुल आय 3,25,000 रुपए होती है। दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री को हर महीने 1,60,000 रुपए की सैलरी मिलती है। लेकिन प्रमुख देशों के मुकाबले में कम है भारत के सीजीआई की सैलरी। सीजीआई सैलरी के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों के मुख्य न्यायाधीश से बहुत पीछे हैं। यहां तक कि पड़ोसी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश भी भारत के मुख्य न्यायाधीश से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के चीफ जस्टिस को सालाना $312,200 तनख्वाह मिलती है। रुपए के हिसाब से यह 2,60,00,000 से ज्यादा हो जाता है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ लॉर्ड चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश को सालाना $275,534 सैलरी मिलती है। रुपए में यह रकम 2,88,00,000 से ज्यादा हो जाता है। कनाडा की बात करें तो यहाँ चीफ जस्टिस को प्रत्येक वर्ष $435,000 की सैलरी मिलती है, जो 36,26,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के चीफ जस्टिस को सालाना $564,458 की सैलरी मिलती है। रुपए में यह रकम 46,00,00,000 से ज्यादा हो जाता है। जापान के चीफ जस्टिस को हर महीने 20,00,000 येन सैलरी मिलती है। भारत के हिसाब से यह 11,00,00,000 से ज्यादा रुपए हो जाता है। अगर पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो वहां मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 12,00,000 रुपए जो है वो पाकिस्तानी रुपए तनख्वाह मिलती है। भत्तों को जोड़ दिया जाए तो यह 15,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। तो आपने देखा कि चीफ जस्टिस की सैलरी की तुलना में भारत के चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी कम है। जहां देश के अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों को करोड़ों में सैलरी मिलती है, वहीं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की भी सैलरी भारत के चीफ जस्टिस से कई गुना ज़्यादा है।